हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट वायर ईयरफोन अंडर 500 रुपीज बताऊंगा। और जितने भी ईयरफोन बता रहे हो दोस्तों, इसमें आपको जो फीचर देखने को मिलेंगे बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको स्वेट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा। और इन सारे ईयरफोन्स को आप गेमिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको 11.2 mm का हाई बेस सुपर ड्राइवर देखने को मिल जाता है, मेटेलिक फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है, HD साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है, टेंगल फ्री केबल देखने को मिल जाता है, वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो फीचर वाइज ये सारे वायर ईयरफोन आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और इन सारे ईयरफोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप वहां से भी जाके जान सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडर 300 रुपीज में कौन से बेस्ट वायर ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आपको यहाँ पे आई बटन पर लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहां से भी जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट वायर ईयरफोन है जो आज के इस लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आज के इसमें जो पांचवें नंबर पे वायर ईयरफोन आता है, आपको वी कूल की तरफ से देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको जो ड्राइवर देखने को मिलता है, जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, उसी साथ में जो वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। और यह वी कूल स्पोर्ट वायर ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 10 mm हाई बेस ड्राइवर, स्टीरियो साउंड क्वालिटी, लाइट वेट एंड कम्फर्ट डिजाइन, 1.2 meter टेंगल फ्री केबल, इनबिल्ट माइक, 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड आइडियो जैक, IPX5 की स्वेट रेजिस्टेंस, इनलाइन कंट्रोल फीचर और नॉइस आइसोलेशन फीचर भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 499 rupees में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों, इस ईयरफोन के प्रोजन कॉन्स की, इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड यहाँ पर 3.5 mm आइडियो जैक देखने को मिल जाता है, साउंड क्वालिटी भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, टेंगल फ्री केबल देखने को मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो सारी फीचर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो इसका डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको 5 नंबर पे रखा है। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की इसमें जो चौथे नंबर पर वायर ईयरफोन आता है, आपको बोट की तरफ से देखने को मिलता है। इसमें भी आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, जो वायर लेंथ देखने को मिलता है और जो बाकी के फीचर देखने को मिलते हैं, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और यह है बोट बेस्ड 102 वायर ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते, इसमें 10 mm हाई बेस मैग्नेटिक ईयरबड्स, HD साउंड क्वालिटी, लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल डिजाइन, 1.2 meter टेंगल फ्री केबल लेंथ, इनबिल्ट माइक, 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड एंगल आइडियो जैक, इनलाइन कंट्रोल फीचर, नॉइस आइसोलेशन फीचर भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में इसमें आपको 1 year की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो आपको 499 rupees में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, इस ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, वायर लेंथ भी अच्छी देखने को मिल जाती है, इन लाइन कंट्रोल फीचर देखने को मिल जाता है, 1 year की वारंटी देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको मैग्नेटिक ईयरबड देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो वायर ईयरफोन होते हैं उसमें आपको मैग्नेटिक ईयरबड देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ जो ब्लूटूथ ईयरफोन होते हैं उसी में आपको मैग्नेटिक ईयरबड देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको मैग्नेटिक ईयरबड देखने को मिल जाता है वायर ईयरफोन में, ये फीचर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस प्राइस में दोस्तों, ये भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है बोट की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के इसमें जो तीसरे नंबर पर ईयरफोन आता है, ये भी आपको बोट की ही तरफ से देखने को मिलता है। इसमें भी आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, जो वायर लेंथ देखने को मिलता है और जो डिजाइन देखने को मिलता है, सारी चीजें आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। और यह बोट बेस्ड 152 वायर ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 10 mm सुपर एक्स्ट्रा बेस ड्राइवर, HD साउंड क्वालिटी, मेटेलिक फिनिश डिजाइन, 1.2 meter टेंगल फ्री केबल, इनबिल्ट माइक, 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड एंगल आइडियो जैक, इनलाइन कंट्रोल फीचर, नॉइस आइसोलेशन और 1 year की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो आपको 499 rupees में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, इस ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें भी आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको मेटेलिक फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बढ़िया डिजाइन देखने को मिल जाता है। उसी साथ में दोस्तों, जो केबल लेंथ देखने को मिलता है, जो वारंटी देखने को मिलता है और जो इनलाइन कंट्रोल फीचर देखने को मिलता है, ये सारी चीजें भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो अंडर 500 rupees में दोस्तों, ये भी आपको मेटेलिक डिजाइन के साथ में एक बेस्ट ईयरफोन देखने को मिल जाता है बोट की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के इसमें जो दूसरे नंबर पर ईयरफोन आता है, आपको JBL की तरफ से देखने को मिलता है। इसमें भी आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, जो वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलता है और जो केबल लेंथ देखने को मिलता है, सारी चीजें आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। और यह JBL वायर्ड ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 10 mm का हाई बेस ड्राइवर, HD साउंड क्वालिटी, अल्ट्रा लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल डिजाइन, 1.2 meter टेंगल फ्री केबल, इनबिल्ट माइक, 3.5 mm L-शेप आइडियो जैक, सिरी एंड गूगल वॉइस असिस्टेंट,
इनलाइन कंट्रोल फीचर और वन बटन यूनिवर्सल कंट्रोल रिमोट फीचर और वन ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 499 रुपीज में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों इस ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, तो अभी तक जितने भी ईयरफोन बताए थे दोस्तों उसमें आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको सिरी और गूगल दोनों वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। और जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है दोस्तों भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। वन बटन यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल फीचर देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको जितने फीचर देखने को मिलते हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। इस प्राइस है दोस्तों ये भी आपको बहुत ही बढ़िया ईयरफोन देखने को मिल जाता है JBL की तरफ से। तो फाइनली दोस्तों आज की इसमें जो नंबर एक ईयरफोन आता है आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जितने भी फीचर देखने को मिलते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, चाहे साउंड क्वालिटी की बात करें, नॉइस कैंसिलेशन फीचर की बात करें या इसके वायर लेंथ की बात करें, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और यह रियलमी बड्स 2 नियो, अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइवर, HD साउंड क्वालिटी, लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल डिजाइन, 1.3 मीटर टेंगल फ्री केबल लेंथ, इनबिल्ट HD माइक, 3.5 mm सेफ ऑडियो जैक, स्वेट रेजिस्टेंट और इनलाइन कंट्रोल फीचर भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 499 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें कुछ साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, जो केबल लेंथ देखने को मिलता है, जो ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, सारी चीज आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी जो रेटिंग देखने को मिलती है अमेजोन पे आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों इसमें इनलाइन कंट्रोल फीचर भी देखने को मिल जाता है, फीचर वाइज भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से इस प्राइस रेंज पे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट वायर्ड ईयरफोन अंडर 500 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।